हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है तीज का नहा था और अभी हम नहा कर आए हैं, बालों भी निकाल रहे हैं और पूजा करनी है, क्योंकि भीगा हुआ बाल में कंघी कर दे तो पूरा बाल दिखने लगता है, थोड़ा सूखेगा तो करेंगे। पूजा करनी है और डायरेक्ट खाना बना रहे हैं। वैष्णवी का पसंद दाल गोभी का सब्जी, दाल चावल और साथ में रोटी भी। ऐसा अक्सर क्या बनता होगा खाना एक साथ, नाश्ता और खाना, तो उसी तरह आज हम बना रहे हैं। तो गाइस, यहाँ गोभी कट के रखा हुआ है, उसको पानी में गर्म पानी में थोड़ा निकाल लिए थे करके। यहाँ सलाद का तैयारी हो रहा है, कढ़ाई चढ़ा हुआ है, दाल चढ़ा है, चावल चढ़ा है। अब बहुत दिनों के बाद ब्लॉग जा रहा है, क्यों जा रहा है वैष्णवी बताइए, क्यों जा रहा है? हाथ कट गया था जो काम करने में नहीं बन रहा। हाँ, वही बोलने वाले थे, इतना ही हाथ कट गया था कि मतलब सूट अपने से करना और खाना बनाना, मतलब कुछ भी करने में दिखाने में दिक्कत हो रहा था। तो तुम एनी टाइम घर में नहीं ना रहती थी बेटा, स्कूल था ना, एग्जाम था ना, तो कहते मैं ब्लॉग शूट करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ा के ब्लॉग शूट करो, ऐसा थोड़ी होता है। तो गाइस, मैं चावल दाल बन गया और सब्जी ज्यादा हो चुका है, तब तक हम जलेबी खा ले रहे हैं। मम्मी जल्दी बना, हाँ हो गया 10:40, आज 11 बजेगा। अब वैष्णवी बच्चा लटोन में आवाज कर रही है, कैसे करती है बेटा बोला तो नहीं। हमें पतिदेव गाड़ी रूम धो रहे हैं, मना किए हैं कि मत धोइए, आज गाड़ी रूम धोइएगा, नीचे वाला रेंट वाला भी धो रहे हैं। वैष्णवी करी पापा खुद काम कर करके थक जाएंगे। नहीं पता, जानती हो, कहेंगे ना कि नहीं धोए हैं। मेरे यहाँ गाइस 5 गेट है, 5 गेट का आवाज़ से हम पकड़ लेते हैं। सबसे नीचे वाला फ्लोर का अलग आवाज़ है, अंजलि की मम्मी का अलग है, मेरा अलग है, सबसे छत वाला अलग है और द मेन गेट का अलग है। ये कहते हैं बड़ी आवाज़ पहचानते हैं। पता चल जाएगा जो भी घुसेगा घर में, कोई पता चल जाता है सबका। गाइस, हम ब्लॉग नहीं देख पा रहे थे, देखिए ये मेरा हाथ दम पूरा दम अंदर तक पूरा हो गया था, कट गया था, इसी से शूट करने में नहीं बन पाता था और शॉर्ट तो वीडियो बाबू कर देते थे। अब हम खाने के लिए बैठ गए हैं क्योंकि बज गया है, कितना 11:30 की पौने वाला है, कितना टाइम हो रहा है। और वैष्णवी पापा के साथ खा लिए, हाँ मेरा बाबू खा रहे हैं, इधर बाबू खा रहा है, वो चावल नहीं खाएगा, उसके लिए रोटी बनाए हैं, हम तो चले चावल खाने और रोटी दोनों। बापी 11:40 हो गया, खा लेते हैं, बहुत भूख लग गया है। अच्छा बना है, बिना लहसुन प्याज के गैस आज खाना बना है मेरे यहाँ, कल भी बनेगा, परसों से बनेगा। गैस, जैसे कि आप सब जान रहे हैं कल तीज है, तो आज जा रहे हैं मेहंदी लगाने। पार्लर में सोचे थे जाने के लिए, तो वो बोले कि 5 बजे आइएगा भाभी, क्योंकि बहुत भीड़ रहेगा। अब प्लस इतना गर्मी है ना भादो में, इतना गर्मी है ना बेटा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। दो दिन गए, एक दिन कल के दान का सामान लाने, तीज का दान का सामान लाने, पूरा मेरा सूट भी गया है। और टेलर यहाँ गए थे ब्लाउज लाने के लिए, तो वो आज देंगे बोले हैं, तो इसके पापा को भी बोले, पापा जाकर बोलेंगे। तो चलिए जैसे भी आता है, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो वैसा भी कहेगी फिर आप ये बात बोल रहे हैं। तो जल्दी से लगा लेते हैं, अभी लगा कर आपको दिखाते हैं, एक ही हाथ में भी लगाएंगे और एक हाथ में रात में लगाएंगे, दोनों का भी लगना नहीं है। तो कम ना लगाएंगे, चांद को लगा लेते सबसे ईजी रहेगा। वैष्णव को नींद आ रहा है, इसको देख के हमको भी नींद आ जाएगा, मत सोना यार। हम नहीं सोएंगे, सोएंगे तो अकेले बैठेंगे। हाँ, अकेले रहना सीखिए। अकेले तो रहते ही तुम स्कूल जाती हो, तो प्लीज मेरे पास बैठो ना। सो तो गया है, इसके पापा भी सो गए, इसका भैया भी सो गया, ये भी सो गया, हम पागल की तरह बैठे रहे हैं। मेरा हाथ में मेहंदी लग गया है, ये लगा लिए हैं, और बाबू लोग समोसा खा रहा है, हमको तो कुछ भी खाने का मन ही नहीं कर रहा है, मन पेट भरा भरा सा लग रहा है। तो इधर बच्चा लोग खा रहे हैं समोसा, आदमी वैष्णव राज भी अच्छा है, अभी लौंगलता भी रखा हुआ है, गुलाब जामुन भी रखा हुआ है। ये लौंगलता भी लिया है, गुलाब जामुन लिया है, करे खाइए, कल फास्ट करना है, लगता है कितना खाएंगे ना, लगता कल भूख नहीं लगेगा, ऐसे भी भूख तो नहीं लगता है, प्यास थोड़ा लग जाता है। और वो बोले हैं कि अभी चलेंगे बनाने के लिए, प्रिकिया और ठिकुआ बोले हैं कि बना देते हैं, अब मेरा मूड नहीं है, पापा कहें कि वो बनाएंगे, तो चलो मिल के तैयारी कर ले रहे हैं। जी भून दिए हैं और यहाँ पे पतिदेव नारियल काट कर गए हैं दूध लाने, गजब लगता है।
और वैष्णवी बोली गई कि अभी भी फिर से शाम में बोलिए आलू गोभी का सब्जी बनाने के लिए, तो बना दिए हैं। अब रोटी जब खाओगी तब सेकेंगे, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, पापा गए हैं दूध लाने, बोले हैं कि मैदा को है ना दूध में डालकर गूंथिएगा। हमको तो नींद आ रहा है भैया, वैष्णव भी ठीक है, आपको कब नींद नहीं आता है, तुम तो सो गए बेटा 3 घंटा मम्मी को छोड़कर। सब बोल रहे हैं नहीं देखो वहाँ जूठा नहीं कर देना, पूजा के लिए है, एक बूंद भी गिरेगा तो सब बेकार हो जाएगा। यहाँ दूध लाने पति देव, उसको डाल के गूंथना है। हम तो पानी में ही सोचे थे गूंथ देंगे कि जल्दी जल्दी हो जाता है, तो पता नहीं गए दूध लाने, गुड़ लाने, पता नहीं क्या क्या लाएंगे। अरे बाबू, अरे आज नहीं, आज सही है। अरे ये बड़ी बदमाश लड़की है। इसमें इलायची है पूरा, इलायची निकाल कर उसको दाना को कूटेंगे। कहाँ चले गए वो जान रहे हो, गए होंगे मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाने के लिए। फास्ट करते हैं हम, भूख लग जाता है जैसे कि उनको, और खुद करेंगे तो खाएंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे बिना पानी के। ये मैं भगना ला के दिए तो ढेर स्वाद है एकदम इलायची। तो इस गैस को कूटते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे क्या क्या करते हैं दिखाते हैं। मैं पति देव बनाएंगे आज, बस 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 मिलके बना रहे हैं। दूध गया था लाने के लिए, दूध डाल रहे हैं, बस हो गया ना, गिल्ला हो जाएगा मेरा बलवा झरा लेना। हाँ बना देंगे हम जी, तो बना रहे हैं जी। क्या बन रहा है? प्रिकिया बन रहा है, प्रिकिया जिसको कहते हैं गुछिया, गुजिया, वही गुजिया से गुछिया, समझ गई ना, बस समझ जाना तैयार है। ये वाला मैं डाल देता हूँ, डाल दीजिए। नारियल, ये क्या है? सूजी है, सूजी। एगो ना, एगो काफी है। हाँ जी, ज्यादा नहीं बनाइएगा थोड़ा थोड़ा। तो गैस देखिए ये है ना, सब देखेंगे और हमसे अच्छा करेंगे। हाँ वो वाला किए हैं हमसे अच्छे, किए हैं आधा हम किए हैं आधा। कौन वाला? वो अभी एक ही हुआ है। ओ कैसा लग रहा है मेहनत कर कर? हमको मन नहीं था लेकिन पापा बोले हैं कि बना देते हैं मिल कर, तो हमने चलिए, नहीं तो हम तो अभी सोने वाले थे रोटी बनाकर। हे भगवान, हमको नींद आ रहा है बहुत जी, लेकिन पता नहीं क्यों इतना नींद आता है। हर ब्लॉग में नींद आते हैं, ब्लॉग में नींद क्या आता है, हमको रियल में नींद आता है, ब्लॉग में नींद नहीं आता है। तुम तो 3 घंटा सो के, ए बाबू पाउडर नहीं मारो, रुकिए। लेकिन वाह पापा, वाह जी, ये गैस, ये मैं पति देव कितना अच्छा से किए हैं, डिजाइन बनाए, उसको कहते हैं टैलेंट। तो इनके में तो टैलेंट कुट कुट के भरा हुआ है, कुटिन कुट कुट के। चलिए आप बैठ जाइए नीचे। हाँ अब ये ना हुआ बात, हाय हाय चोट लगी है? हाँ चोट लगा। वाह अब देखो, अब लग गया इनका हाथ, ऐसे भी जेंट्स लोग का खाना में हाथ लगता है ना, तो खाना एकदम क्या खाना, कोई नहीं बकवास नहीं, सही रियल बात है। जेंट्स लोग जो खाना बना देगा ना, लेडीज से उतना अच्छा नहीं बनता है। सही बोल रही है, जेंट्स लोग बड़ा बड़ा कुछ भी ज्यादा बोलोगे, बेटी एकदम दुबली पतली हो गई है, सब नजर लगा। सही बात है, पहले मैं गुलगुल बेटी थी, अच्छी लगती थी, लॉकडाउन के टाइम एकदम कितनी अच्छी लगती थी। हाथी, हाथी तो नहीं थी, दुबला ना गई पूरा, काटा हो गई ना। बना है ठेकुआ, एकदम खास्ता खास्ता ठेकुआ बना है मेरे पति देव। अरे बोलिएगा कुछ हो कि स्माइल दीजिएगा चमनिया मुस्की। और इधर ये तल रहे हैं, और इधर तवा भी चेहरा हुआ, रोटी भी बनेगा, रोटियाँ बनाइएगा कि हम बनाए, आए टू इन वन काम कीजिएगा, ठीक है, बेल बेल के देते हैं। कैसा लगा गर्मी में? गर्मी है कहाँ है जी? अरे आपको गर्मी नहीं लगता है, हमको बहुत गर्मी लगता है। हम रोटी बेल के देते हैं, आप फुला दीजिए और उसके बाद ए सी चालू करके बैठा जाएंगे, ठीक है। इतना पसीना आ गया आपके, अरे
छुएंगे तो छुआ ही ऐसे सब हीर देंगे बलवे के बिली बिली बेल रहे हैं, बेलने के लिए रोटी खा रहे हैं, रोटी बेलेंगे, फुलाते जाइएगा। यस, मेहंदी लगा ली है ये हाथ में और हम लोग खाना वगैरह भी खा लिए हैं और मेरा पापा को देखिए सब चीज़ बन के तैयार हो गया है। अगर सभी को नींद आ रहा है और राजू भी मोबाइल रखो सो और खा लिए गैस। अब ब्रश भी करनी है और उसके बाद थोड़ा मीठा भी करनी है, बाबू दूध पिला दिया इसके पापा गुस्सा के खाए नहीं खाए तो आज मतलब सहना है तो पूरा खा लो, मीठा मीठा खाए का मन नहीं करता है ज़्यादा। तो गैस मेरा तो तैयारी एकदम बहुत अच्छा से हो गया है, आप लोग का भी हो गया होगा। तो ये वीडियो कहीं मिल करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।